तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के मिस्टर खिलाड़ी अक्षय कुमार की अपकमिंग मूवी के बारे में। भले ही अक्षय कुमार की हाल ही में रिलीज फिल्म चाहे वो बच्चन पांडे हो या पृथ्वीराज, दोनों ही फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर नाकामयाबी ही मिली, लेकिन इसके बाद भी अक्षय कुमार पैन इंडिया लेवल की कई बड़ी फिल्में लेकर आने वाले हैं जो कि बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख देगी। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी फिल्में हैं और किस दिन रिलीज होगी। अक्षय कुमार की सबसे पहली फिल्म होने वाली है रक्षाबंधन। यह एक फैमिली ड्रामा फिल्म होगी जिसके लीड रोल में दिखाई देंगे अक्षय कुमार, भूमि पेडनेकर एंड नीरज सूद। वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं आनंद एल राय, जो कि रिलीज किया जाएगा इसी साल 11 अगस्त 2022 में। अक्षय कुमार की दूसरी फिल्म होने वाली है राम सेतु। राम सेतु एक एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी जिसके लीड रोल में दिखाई देंगे अक्षय कुमार, सत्यदेव कांचराना, जैकलिन फर्नांडिस एंड नुसरत भारूचा। वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे अभिषेक शर्मा, जिसे प्रोड्यूस करेंगे अरुण भाटिया एंड विक्रम मल्होत्रा। अगर बात करें इस मूवी के रिलीज डेट की तो यह फिल्म रिलीज किया जाएगा 24 अक्टूबर 2022 में ही। अक्षय कुमार की तीसरी फिल्म होने वाली है OMG 2। यह 2012 में आई फिल्म OMG का सीक्वल होगा जिसमें फिर से लीड रोल में नजर आएंगे अक्षय कुमार। वहीं परेश रावल की जगह इसमें अबकी बार दिखाई देंगे पंकज त्रिपाठी, साथ ही यामी गौतम भी दिखाई देने वाली है लीड रोल में। वहीं इस फिल्म के डायरेक्टर और राइटर है उमेश शुक्ला और इस फिल्म के रिलीज डेट का अनाउंसमेंट अभी नहीं किया गया है। अक्षय कुमार की चौथी फिल्म होने वाली है गोरखा। गोरखा एक पीरियड ड्रामा फिल्म होगी जिसमें अक्षय कुमार दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडो गोरखा का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे और इस मूवी का डायरेक्शन करेंगे संजय पूरन सिंह चौहान। वहीं इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे आनंद लड़ाई एंड हिमांशु शर्मा। अगर बात करें इस मूवी के रिलीज डेट की तो यह फिल्म रिलीज किया जाएगा इसी साल 15 अगस्त 2022 में। अक्षय कुमार की पांचवी फिल्म होने वाली है बड़े मियां छोटे मियां। यह काफी बड़ी एक्शन ड्रामा फिल्म होगी जिसमें पहली बार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ एक साथ दिखाई देंगे लीड रोल में, जो कि 100 करोड़ रुपए के बड़े बजट पर बनाई जाएगी, जिसका डायरेक्शन करेंगे अली अब्बास जफर। वहीं इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे वासु भागनानी, जैकी भागनानी एंड पूंजा एंटरटेनमेंट। और यह फिल्म एक पैन इंडिया फिल्म होगी जो कि हिंदी के साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज किया जाएगा अगले साल 22 दिसंबर 2023 में। अक्षय कुमार की छठी फिल्म होने वाली है सेल्फी। सेल्फी मलयालम मूवी ड्राइविंग लाइसेंस का हिंदी रिमेक होगा जिसके लीड रोल में दिखाई देंगे अक्षय कुमार, इमरान हाशमी, नुसरत भारूचा एंड डायना पेंटी, जिसका डायरेक्शन किए हैं राज मेहता। वहीं इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं करण जौहर एंड पृथ्वीराज सुकुमारन, जो कि धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया जाएगा, जो रिलीज किया जाएगा 2022 के आखिरी महीनों तक या फिर 2023 में ही। अक्षय कुमार की सातवीं फिल्म होने वाली है 2020 में आई सुपरस्टार सूर्या की तेलुगु फिल्म सुरई पुट्रू का हिंदी रिमेक, जिसमें अक्षय कुमार और राधिका मदान दिखाई देने वाले हैं लीड रोल में। वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगी सुधा कोंगरा, जो कि इसके पहले सूर्या की फिल्म सुरई पुट्रू का भी डायरेक्शन कर चुकी है, जिसे प्रोड्यूस करेंगे ज्योतिका सूर्या एंड विक्रम मल्होत्रा। अक्षय कुमार की आठवीं फिल्म होने वाली है मिशन सिंड्रेला, जिसमें अक्षय कुमार के साथ लीड रोल में दिखाई देंगी रकुल प्रीत सिंह। वहीं इस फिल्म का डायरेक्शन किए हैं रंजीत एम तिवारी, जिसे प्रोड्यूस किए हैं वासु भागनानी, जो कि 2022 में ही देखने को मिल जाएगी OTT प्लेटफॉर्म पर। अक्षय कुमार की नौवीं फिल्म होने वाली है हेरा फेरी 3। हेरा फेरी अक्षय कुमार की सबसे हिट वाली फ्रेंचाइजी में से एक है, जिसका पहला पार्ट आया था सन 2000 में, वहीं दूसरा आया 2006 में और अब इसका तीसरा पार्ट भी जल्द ही आने वाला है, जिसके लीड रोल में दिखाई देंगे अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल एंड जॉन अब्राहम। वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस करेंगे फिरोज नाडियाडवाला, जिसका अनाउंसमेंट भी फिरोज नाडियाडवाला ही किए हैं। अक्षय कुमार की दसवीं फिल्म होने वाली है रावड़ी राठौर 2। यह 2012 में आई फिल्म रावड़ी राठौर का सीक्वल होगा, जो कि तेलुगु फिल्म विक्रम कुड्डू का हिंदी रिमेक था। वहीं अब जल्दी इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आने वाले हैं अक्षय कुमार, जिसका डायरेक्शन करेंगी सबीना खान और जल्दी इस फिल्म को लेकर और भी अपडेट देखने को मिल जाएगी। अक्षय कुमार की 11वीं फिल्म होने वाली है कैप्सूल गिल। यह एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म होगी जिसमें अक्षय कुमार माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं टीनू सुरेश देसाई, जो कि अक्षय कुमार के साथ पहले ही रुस्तम जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं और इस फिल्म की शूटिंग भी UK में शुरू कर दी गई है, जिसमें अक्षय कुमार के साथ लीड रोल में दिखाई देंगी परिणीति चोपड़ा, जो कि 2023 में ही देखने को मिलेगी। अक्षय कुमार की 12वीं फिल्म होने वाली है 2XL। यह एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी जिसके लीड रोल में दिखाई देंगे अक्षय कुमार एंड सोनाक्षी सिन्हा। वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं मुदस्सर अजीज, जिसके बारे में अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। अक्षय कुमार की 13वीं फिल्म होने वाली है खेल खेल में। यह फिल्म भी एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी जिसके लीड रोल में दिखाई देंगे अक्षय कुमार एंड समांथा रुथ प्रभु। वहीं इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे करण जौहर, यानी यह फिल्म भी धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनाई जाएगी, मगर अभी तक इसके डायरेक्टर का नाम फाइनल नहीं किया गया है और यह फिल्म भी 2023 में ही देखने को मिलेगी। अक्षय कुमार की 14वीं फिल्म होने वाली है शंकरन नायर। शंकरन नायर एक बायोपिक मूवी होगी जिसके लीड रोल में दिखाई देंगे अक्षय कुमार एंड अनन्या पांडे, जिसमें अक्षय कुमार एक वकील का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। वहीं अनन्या पांडे इसमें एक जूनियर वकील का किरदार निभाते हुए नजर आएंगी।
जिसका डायरेक्शन करेंगे करण सिंह त्यागी। और यह फिल्म भी धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले ही बनाई जाएगी, जो कि 2023 के आखिरी महीनों तक रिलीज कर दिया जाएगा। अक्षय कुमार की 15वीं फिल्म होने वाली है हाउसफुल 5। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार की यह फ्रेंचाइजी भी काफी हिट रही है, जिसके अब तक 4 पार्ट्स आ चुके हैं। वहीं अब इसके 5वें पार्ट की तैयारी भी शुरू कर दी गई है, जिसके लीड रोल में दिखाई देंगे अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन एंड रितेश देशमुख, जिसमें और भी बहुत सारे छोटे बड़े स्टार्स दिखाई देंगे। वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे फरहाद सामजी, जिसे प्रोड्यूस करेंगे साजिद नाडियाडवाला। और यह फिल्म नाडियाडवाला ग्रैंडसन के बैनर तले बनाई जाएगी और जल्द ही इसके रिलीज डेट का अनाउंसमेंट भी कर दिया जाएगा। अक्षय कुमार की 16वीं फिल्म होने वाली है स्काई फोर्स। यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी, जिसमें भारतीय वायुसेना का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे अक्षय कुमार। और इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे संदीप केलवानी, जो कि हाल ही में रिलीज हुई अजय देवगन की मूवी रनवे 34 के राइटर भी हैं। वहीं इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे दिनेश विजान, जो कि 2024 में ही रिलीज किया जाएगा। अक्षय कुमार की 17वीं फिल्म होने वाली है मिशन लायन, जो कि एक साइंस फिक्शन फिल्म होगी, जिसमें अक्षय कुमार डबल रोल निभाते हुए नजर आएंगे, जो कि काफी बड़ी बजट पर बनाई जाएगी, जिसका डायरेक्शन करेंगे जगन शक्ति, जो कि पहले ही अक्षय कुमार के साथ मिशन मंगल जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं। वहीं इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी जाएगी इसी साल अगस्त के महीने में। अक्षय कुमार की 18वीं फिल्म होने वाली है क्रैक। क्रैक एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म होगी, जिसके लीड रोल में अक्षय कुमार एक अलग ही किरदार में दिखाई देंगे। वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं नीरज पांडे, जिसकी तैयारी भी काफी समय पहले ही जोरों शोरों से चल रही थी, लेकिन फिलहाल के लिए सब कुछ रोक दी गई है, क्योंकि अक्षय कुमार और डायरेक्टर नीरज पांडे की दोस्ती में दरार आ गई है, जिसका कारण है कि अक्षय कुमार की मूवी पैडमैन और नीरज पांडे की मूवी अयारी, जब से इन दोनों फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर क्लैश हुआ है, तब से अक्षय कुमार और नीरज पांडे की दोस्ती में दरार गई है, जिस वजह से क्रैक फिल्म की तैयारी रुकी हुई है। अक्षय कुमार की 19वीं फिल्म होने वाली है सिम्बा 2, जो कि 2018 में रिलीज हुई फिल्म सिम्बा का सीक्वल होगा, जिसके लीड रोल में फिर से दिखाई देंगे रणवीर सिंह। वहीं अक्षय कुमार इसमें एक कॉमियो रोल करते हुए नजर आ सकते हैं। और इस मूवी को डायरेक्ट और प्रोड्यूस करेंगे रोहित शेट्टी, जो कि रिलीज किया जाएगा 9 अगस्त 2023 में। इसी के साथ अक्षय कुमार की 20वें नंबर पर होने वाली है एक वेब सीरीज, जो कि अक्षय कुमार की पहली वेब सीरीज होगी, जिसका अनाउंसमेंट 2019 में ही किया गया था, जिसका नाम दिया गया है द इंड। और इसको प्रोड्यूस करने वाले हैं विक्रम मल्होत्रा, जो कि एक काफी बड़ी थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें अक्षय कुमार इंसानों को बचाने के लिए समय के साथ दौड़ लगाते हुए नजर आएंगे, जो कि रिलीज किया जाएगा 2023 में जून से जुलाई के बीच। तो फ्रेंड्स, ये थे अक्षय कुमार की आने वाली सभी बड़ी फिल्में। आप इन सभी फिल्मों में से किस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, नीचे कमेंट में जरूर से लिखिएगा। और साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मूवी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहेगी। और जल्दी मिलते किसी और नए वीडियो में नई मूवी के साथ।